नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2023 ये तीन महीना कैसे रहेंगे, इन तीन महीनों में किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, कहां पर आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, आपका करियर कैसे रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और शिक्षा कैसी रहेगी, सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप कन्या राशि के जातक हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि यह तीन महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। सितंबर, अक्टूबर और नवम्बर कन्या राशि के जातकों, आपके लिए ये तीन महीने गोल्डन पीरियड साबित होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्रह गोचरी स्थितियों की बात कर लेते हैं। देखिए, सितंबर के महीने में सूर्यदेव सिंह राशि में रहेंगे, फिर 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल कन्या राशि में, आपके राशि के स्वामी सिंह राशि में वक्री रहेंगे। गुरुदेव मेष राशि में और यहां पर राहु मेष में, केतु तुला में, शनि कुंभ राशि में। अब चलिए अक्टूबर महीने की बात करते हैं, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। तो सूर्यदेव कन्या राशि में रहेंगे और 18 अक्टूबर को ये तुला राशि में, मंगल कन्या राशि में और बुध ग्रह सिंह राशि में रहेंगे, केतु तुला राशि में रहेंगे, राहु मेष राशि में, और इनका बड़ा परिवर्तन भी होगा इसी महीने में राहु केतु का, और शनि कुंभ राशि में, गुरु मेष राशि में वक्रीगत रहेंगे। चलिए अब नवम्बर महीने की बात कर लेते हैं, ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो नवंबर के महीने में सूर्यदेव तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे, मंगल देव तुला राशि से वृश्चिक राशि में, इनका भी परिवर्तन होगा, और शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे और ये मार्गी हो जाएंगे। राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ ग्रह गोचरी स्थितियाँ, इन्हीं के आधार पर जानेंगे कन्या राशि के जातकों की आपके लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये तीन महीना कैसे जाएंगे, किस प्रकार से आपको सफलता दिलाएंगे, किस क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले आपके करियर और बिजनेस व्यापार की बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि के जातकों, इन तीन महीनों में नए अवसर आपको मिलेंगे करियर में, जॉब में किया गया आपका प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में आपको बेहतरीन समय साबित होगा, खासकर जॉब के लिए, नौकरी के लिए। बिजनेस व्यापार में भी आपको तरक्की मिलेगी, सामाजिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी। बिजनेस व्यापार में आपको धन का लाभ होगा, कई बड़े क्षेत्रों से लाभ होगा, बिजनेस व्यापार आपका तेजी से चलेगा। साथ ही साथ बता दें कि आप नौकरी के लिए अगर पहले से अप्लाई किए थे तो आपको सफलता मिलेगी, सरकारी क्षेत्र से आपको सफलता मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर से भी आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी, लोगों के प्रति आपको खुशियां प्राप्त होंगी, सहयोग मिलेगा मित्रों से। जी हाँ, अगर आपने पहले से निवेश किया हुआ है तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको जबरदस्त लाभ होगा, या फिर पैसा लगाना चाहते हैं व्यवसाय में तो आपको बहुत अच्छा खासा सफलता मिलेगी, साथ ही आपके धन दौलत में वृद्धि होगी इन तीन महीनों में। शुभ कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं, तो नवंबर के महीने में आपको जबरदस्त लाभ होगा। साथ ही साथ बता दें कि आपके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी, आपके पुराने मित्र फिर से आपसे मेल मिलाप कर सकते हैं, यानी कि पुराने मित्रों से मुलाकात भी होगी और उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। बता दें कि इसमें आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, खासकर सितंबर अक्टूबर के महीने में आपका स्वास्थ्य अचानक से आपको परेशान कर सकता है, पुरानी बीमारियां परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से सितंबर अक्टूबर का महीना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन नवंबर का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। खान पीन की चीज़ों में ध्यान रखिएगा, घूमने फिरने से थोड़ा सा बचिएगा। हालांकि धन के नए स्रोत सामने आएंगे, जमीन जायदाद से संबंधित मामले की जो यानी कि चल रहे थे, वाद विवाद चल रहा था कोर्ट कचहरी में, वो फैसले आपके पक्ष में आएगा, आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर होगी, राजनीति से जुड़े लोगों को बहुत लाभ हो सकता है, आपकी प्रशंसा की जाएगी और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। साथ ही साथ बता दें कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में आप राशि वालों को अचानक से
धन का लाभ भी हो सकता है, आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, साथ ही मित्र जनों का सहयोग प्राप्त होगा, घर परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी के माध्यम से भी धन आ सकता है, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। बता दें कि अभी तक अगर कोई कार्य अधूरा था, पेंडिंग था, तो उसे पूरा करेंगे, नई जॉब तो लगेगी, साथ ही बैंक क्षेत्र से लोन वगैरह मंजूर हो सकता है इन तीन महीनों में। बता दें कि अभी तक अगर कोई कामयाबी नहीं मिली तो कामयाबी दस्तक देगी, मित्र जनों को सहयोग प्राप्त होगा, माता पिता के सहयोग से भी लाभ होगा, संतान की तरक्की से भी आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और वाद संवाद भी आपका घर परिवार के साथ बना रहेगा, जीवन साथी से बना रहेगा, वरिष्ठ अधिकारी लोगों से प्रोफेशनल संबंध आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, संतान की तरक्की से भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, शुभ साबित रहेगा ये तीन महीना, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना बेहतरीन जाएगा। इसमें कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है घर में और पूजा पाठ में आप धन खर्च कर सकते हैं, सुख सुविधाओं में आप वृद्धि करेंगे, धन ऐश्वर्य धन दौलत में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे इन तीन महीनों में। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, नए अवसर आपको मिलेंगे, जिन अवसरों की तलाश थी आपको वो अवसर मिलेंगे, बैंक से लिखा पढ़ी का मामला सॉल्व होगा, वकालत इंफॉर्मेशन मेडिकल टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो ये तीन महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब सावधानियों की अगर बात करें तो देखिए इसमें गाड़ी वाहन का थोड़ा सा आप ध्यान यानी कि ध्यान से चलाइएगा और किसी को उधार कर्जा ना दें और किसी से बहसबाजी ना करें, वाद विवाद ना करें, क्योंकि जमीन प्रॉपर्टी को लेकर चल रही समस्याएं थोड़ी सी परेशान करेगी, वहीं उधार दिया गया पैसा भी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए किसी को ना दें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, पीठ पीछे कोई बुराई करे तो ज़्यादा आपको यानी कि यहाँ पर प्रति उत्तर देने की जरूरत नहीं रहेगी। बता दें कि सितंबर अक्टूबर नवंबर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, नवंबर के महीने में धन व्यापार में वृद्धि होगी, कई बड़े अहम लाभ होंगे, विदेश जाने के योग बनेंगे, विदेश से अच्छा खासा धन कमा सकते हैं, विदेश में जमीन प्रॉपर्टी एकत्रित कर पाएंगे या फिर कोई बिजनेस व्यापार चल रहा है तो लाभ होगा, साथ ही शिक्षा में आपको बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे, नए संस्था में दाखिला ले पाएंगे या फिर आप कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में लाभ होगा, पढ़ाई पे आपका अत्यधिक मन लगेगा, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। उपाय की बात करें तो आपको इन तीन महीनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करें तो विशेष लाभ होगा, गणेश भगवान को दुर्वा की माला पहनाएं, साथ ही गरीब निर्धन को ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का वस्त्र का दान करें, इससे विशेष लाभ होगा। दोस्तों ये तीन महीना सितंबर अक्टूबर और नवंबर आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा, हर क्षेत्र में लाभ होगा आपके कैरियर आपके बिजनेस व्यापार में, क्योंकि ये तीन महीना आपके लिए बहुत यानी कि लाभकारी रहेंगे। तो ये था आपके लिए तीन महीनों का राशिफल, अक्टूबर यानी कि सितंबर अक्टूबर और नवंबर का राशिफल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक ज़रूर पहुँचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।